हेलो दोस्तों, आज हम हैं विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में, जहाँ पे सभी लोगों की सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है। यहाँ पे लड़कियाँ देखिए हाई जंप कर रही हैं और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है। आप ग्राउंड में कितना भी प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पे आके आपको थोड़ी सी झिझक ज़रूर होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर कम से कम एक दिन आके यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और देखिए, स्टेडियम जो है 18 तारीख से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भर्ती होने वाली है, तो हो सकता है कि 13, 14 इस तारीख से स्टेडियम बंद हो जाए। तो आप हो सके तो देखिए, कल नहीं होगा, 13 तारीख को नहीं होगा, तो आप 13 तारीख को जो है आ सकते हैं। और टाइमिंग की मैं बात करूं तो सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक स्टेडियम खुला रहता है। आप जो है यहाँ पर आके दौड़ सकते हैं, गोला फेंक सकते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद कर सकते हैं। यहाँ का जो ट्रैक है वो काफ़ी अलग है। आपका जो ग्राउंड है वो हार्ड सरफेस होता है, यहाँ पे थोड़ा सरफेस सॉफ्ट है, क्योंकि सिंथेटिक जो है ग्राउंड है, रबर जो है नीचे लगा हुआ है। देखिए कितने अच्छे से लोग हाई जंप कर पा रहे हैं, टाइगर जंप लड़कियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। इन लोगों ने थोड़े समय पहले ही प्रैक्टिस चालू की है, तो इस वजह से काफ़ी कम ऊंचा कूद पा रही है। लेकिन कई लड़कियों को मैंने देखा है कि वो अच्छे खासे नंबर, 60 नंबर तक जंप कर पा रही हैं। आगे मैं इस चैनल पे और वीडियो लाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से लॉन्ग जंप हो रहा है। कल आपको और वीडियो मिलेगी। और देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ लेके आनी है, यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। हाँ, हो सकता है तो आप गोला लेके आइए, है ना। यहाँ पे ऊंची कूद के लिए आपको 3 गद्दे मिल जाएंगे, आप उसमें ऊंची कूद कर सकते हैं। आप लड़के हो या लड़कियाँ, सबके लिए ये सब निःशुल्क है। यहाँ पे आइए और पूरे दिन ये प्रैक्टिस चलता रहता है। और देखिए, अगर आप एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अप होगा। और यहाँ पर 100 मीटर का जो ट्रैक है वो भी बना हुआ है, तो आपको दौड़ने में बहुत आसानी होगी। देखिए किस तरीके से ये टाइगर जंप कर रहे हैं लड़कियाँ भी, तो आप आसानी से यहाँ पे टाइगर जंप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो कम से कम आप 12 नंबर के लिए कोशिश कर सकते हैं हाई जंप के लिए। अगले वीडियोस में मैं लॉन्ग जंप के लिए भी वीडियो बना दूंगा। कल मैं जाने वाला हूँ 13 तारीख को, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लोग जो हैं वो अपना फिज़िकल कर पा रहे हैं। तो आइए और एक बार यहाँ पर 1500 मीटर अगर लड़कियां हैं तो आप दौड़ के देखिए कि कितना आपका टाइमिंग जा रहा है। और आप यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नया नया नहीं लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल नए ग्राउंड में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप घबरा जाएं। तो 100 मीटर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप यहाँ पर आइए, क्योंकि आप ग्राउंड में कितना भी प्रैक्टिस कर लें अपने जहाँ पर आप रहते हैं, लेकिन 100 मीटर के लिए ग्राउंड बहुत बेस्ट है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि आप 1500 मीटर में थोड़ा सा घबराएं, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, इसमें अगर आप घबराएं तो चलेगा, लेकिन आप 100 मीटर के दौड़ में नहीं घबरा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको 14 सेकंड अगर लड़कियां हैं और 12 सेकंड लड़के हैं तो आपको पूरा करना है। उसमें आप थोड़ा सा भी घबराएँ तो आपके नंबर कट सकते हैं, है ना, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आए और प्रैक्टिस कर लें। तो 13 तारीख को आप आ जाएं, उस दिन स्टेडियम पूरी तरीके से खुला रहेगा। मैंने गार्ड से बात की है तो उन्होंने बताया है। और देखिए कभी भी बंद हो सकता है, 14, 15, 16, है ना, तो आप आ जाइए। 16 तक तो निश्चित बंद ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SI जो पुलिस हैं वो आएँगे और कैमरा वगैरह लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लड़कियां जंप कर पा रही हैं। तो आप प्लीज़ आइए स्टेडियम में। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसमें और भी सब इंस्पेक्टर भर्ती वीडियो आएंगी। धन्यवाद।